कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार कहती थी कि इन आतंकवादियों पर अलगाववादियों पर फायर नहीं करना है, उनको नहीं छेड़ना है। कांग्रेस के नेता तो अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के साथ भी जी लगाकर उसे सम्मानित करते हैं। ये कांग्रेस के आज के संस्कार है। और भाइयों बहनों, 2014 26 मई 2014 की तिथि जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, मैं उसे देश की ऐतिहासिक तिथि मानता हूं, क्योंकि इस दिन इस देश के अंदर एक ऐसे युग के निर्माता के रूप में मोदी का अवतरण होता है। जब मोदी जी ने घोषणा की थी कि मेरी सरकार इस देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन करेगी, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, कांग्रेस की सरकार 45 वर्षों तक वन रैंक वन पेंशन की इस योजना को लटकाई नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमेटी गठित करके कमेटी की सिफारिश आने के तत्काल बाद वन रैंक वन पेंशन की योजना को लागू करके सैनिकों के प्रति राज सम्मान का भाव व्यक्त किया। वहीं देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागू की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश के अंदर देश के संसाधनों पर इस देश के गरीबों का, इस देश के दलितों का, इस देश के वंचितों का, इस देश के नौजवानों का और इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हम विकास सबका कराएंगे, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और इसका परिणाम हुआ 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाना, 5 वर्ष में 4 करोड़ परिवारों को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, 5 वर्ष में 9.5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क शौचालय उपलब्ध हो जाना, 4 वर्ष में लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपया सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त हो जाना, 5 वर्ष के दौरान इस देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो जाना, इस देश के अंदर एक उस नए युग का सूत्रपात है जिसको इस देश की आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था। कांग्रेस का घोषणा पत्र 55 वर्षों की उनकी नाकामी का दस्तावेज है और 55 वर्षों का नाकामी 55 पेज के चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने जहां व्यक्त किया, वहीं साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस दौरान आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बयान को पढ़ा होगा जब उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, सरकारी दस्तावेज यानी किसी भी सरकार के अधिनियम कोई सरकारी दस्तावेज होते थे, उत्तराखंड और देश के लिए गौरवशाली रहे हैं। और इसलिए जब आज हम चुनावी मैदान में हैं, देश के अंदर जनरल चुनाव चल रहे हैं, हम सबका दायित्व निभाता है। जिन लोगों ने इतना भेदभाव के कार्य किया, विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया किसी गरीब के साथ।